इतिहास बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कारतूस में गाय की चर्बी होने के कारण उसने दांत से फोड़ने से इनकार किया था, तो धार्मिक विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। वो राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, वो ब्राह्मण जो है ये धार्मिक सेनानी था। अपने धर्म की रक्षा के लिए उसने किया था, देश की रक्षा के लिए नहीं किया था। ये हमें गलत पढ़ाया जाता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, वो तो ब्राह्मण धर्म का सेनानी था। उसने भीमराज में समानता भाईचारा नहीं है, संविधान आने पर भीमराज में समानता और भाईचारा है। हमें रामराज नहीं भीमराज चाहिए, भारत के संविधान का राज चाहिए। एजुकेशन की मांग चल रही है, क्या कहेंगे आप? हमारे देश में एजुकेशन कई भागों में बटी हुई है, काफ़ी भेदभाव है, जिस कारण से सभी नागरिकों को समान एजुकेशन नहीं मिल पाता है। आगे समान उनको रोजगार वगैरह भी नहीं मिल पाता है, विकास के अवसर भी समान नहीं होते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि पूरे देश में शिक्षा एक समान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए इस समय जो चल रहा है, ख़ास तौर से मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में वो पैसा दे करके डिग्री ले लेते हैं और जो गरीब लोग हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी और अन्य भी बातें हैं। अर्जक संघ से एक तरफ पाखंडवाद से लड़ते हैं, दूसरी तरफ आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो आप लोग हैं ये धरातल पे पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आज भी देश में देखा जाए जिस तरह से मनुवाद का कदम बढ़ा हुआ है, कैसे देखते हैं आप? हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि धरातल पर पहुंचे। हमारा भारत का संविधान है वो शिक्षा के लिए सभी को समान अवसर देने की बात करता है, एक ऐसी शिक्षा की बात करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी शिक्षा की बात करता है। हम संविधान का अनुपालन करते ही हुए ही इस मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। आप पूर्व रिटायर आर्मी एक्स आर्मी मैन हैं, जिस तरह से आप पाल समाज से आते हैं, कितना पाल समाज जो है उसे एक स्तर पर कहा जाता है कि ये जंगली समाज है, कई लोग बोल देते हैं, क्या विकास उनका भेड़ वगैरह चराते हैं वो लोग, उनका विकास कैसे होगा? ये जो भेड़ बकरी चराने वाली कौम गड़रिया पाल बघेल धनगर कहते हैं, ये वास्तव में इनका विकास अभी नहीं हुआ है। और विकास तो शिक्षा से ही होता है। हमें आधुनिक शिक्षा जो आज की टेक्निकल शिक्षा है इसको ग्रहण करना चाहिए। अगर हम पुरानी शिक्षा जिसको बोल देते हैं वेद पुराणों की या गीता रामायण की शिक्षा, वो हमारे काम कभी नहीं आएगी। हमें शिक्षा वैज्ञानिक चाहिए, तकनीकी शिक्षा चाहिए, मेडिकल साइंस की शिक्षा चाहिए, ये हमारे हमें आगे बढ़ाएगी। आप इस देश के मूल निवासी हैं, आप यहाँ के टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, जल जंगल जमीन आपके बड़ा करीब रहा होगा क्योंकि आप जंगलों में भी निवास करते हैं, जमीन धरातल में भी जहाँ पे आप लोग मतलब जहाँ निवास मानो अधिवास होते हैं वहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन देखा जाए आज पाल समाज जो है वो हाथी पे खड़ा है सरकार, कैसे देखते हैं? हम भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, और जो भेड़ पालन व्यवसाय है या चरवाहा है ये मानव सभ्यता विकास के क्रम में शायद दूसरे क्रम में, पहले क्रम में आता है शिकारी युग, उसके बाद पशुपालन युग। तो जब तक हम अपने उसी पेशों को अपनाते रहेंगे, और आज आधुनिक परिवेश में जो अन्य कई एक व्यवसाय बन गए हैं, जब तक हम उनको नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे समाज का या किसी भी समाज का की तरक्की नहीं होगी। आप ये बात है, भाव रहित कानपुर देहात बनाना चाहते हैं, लेकिन कानपुर देहात जो है उत्तर प्रदेश से आता है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में राम राज्य की सरकारें चल रही है, जहाँ पे शांति मुद्रा समानता सब है। ये राम राज की सरकार में ही तो इतना भेदभाव होता है कि जो शूद्र वर्ण के लोग, तथा कहते शूद्र वर्ण के लोग या यूँ कहें कि कमेरे शमशील वर्ग के लोग हैं, इनको जो है कहते हैं शूद्र वर्ण के लोग, इनकी सारे अधिकारों का हनन तो राम राज में ही होता है, तो फिर राम राज में विकास कैसे होगा? राम राज नहीं चाहिए, समानता भाईचारा होता है। राम राज में समानता भाईचारा नहीं है, संविधान आने पर भीमराज में समानता और भाईचारा है। हमें राम राज नहीं भीमराज चाहिए, भारत के संविधान का राज चाहिए, इसी से हमारा जो है विकास होगा। कैसे विकास होगा?
सभी के विकास के लिए समान अवसर मिलेंगे, समान जो है शिक्षा है जैसे कि, और समान वन एजुकेशन की जो आप लोग बात कर रहे हैं, आखिर कहाँ पे त्रुटियाँ हो रही हैं कि यूपीएससी ओबीसी के बच्चे हैं वो मुख्य धारा से आज भी वंचित हो जा रहे हैं, आज भी वो धर्म के जुलूस में पहुँच जाते हैं? ये त्रुटियाँ इसलिए हो रही हैं कि जो मनवादी लोग हैं वो हमारे समाज को दिग्भ्रमित किए हुए हैं, जिसके कारण जो है हम संविधान की शिक्षाओं को ग्रहण ना करके उनके धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम भ्रमित हैं। जब तक हम संविधान की शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही भ्रमित रहेंगे, हमें संविधान की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। आप संविधान की बात करते हैं, बात करने के लिए सारे लोग जितने भी राजनीतिक पार्टी हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो सभी लोग संविधान की बात, लेकिन वो अपने घर में कभी अपने समाज के महापुरुषों का फोटो तक नहीं लगाते, संविधान को भी नहीं रखते हैं। यही हमारे आगे बढ़ने का जो है ये है कि हम इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम संविधान को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, अपने बहुजन समाज के महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, यही हमारे जो है विकास में बाधक है। जब हम अपने महापुरुषों की बात मानेंगे, संविधान की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमारा विकास जरूर होगा। झलकारी भाई देवी पाल समाज से आती होंगी, आप शायद जानते होंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो वीरांगना झलकारी बाई मूल निवासी बहुजन समाज के कोरी समाज की हैं, जो कि भारत की सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कपड़ा अगर न होता तो हम मानव समाज नंगा रहता, ये उस समाज की है। हाँ, बुनकर समाज वही है, कपड़ा कोरी जिसको बोलते हैं, तो वो समाज की थी, उन्होंने ही देश की आज़ादी की असली लड़ाई लड़ी है वीरांगना झलकारी बाई जी ने। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने पुत्र दत्तक पुत्र को राज दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़ी हैं, ना कि भारत देश के लिए लड़ी हैं। भारत की आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई नहीं लड़ी हैं, वो अपने दत्तक पुत्र को अधिकार दिलाने के लिए लड़ी हैं। जबकि झलकारी बाई झांसी की राज के जो है स्वतंत्रता के लिए, भारत की राज की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ी हैं। आपके बच्चों को तो पढ़ाया जाता है कि रानी जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनको पढ़ाया जाता है? हमें इतिहास बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कारतूस में गाय की चर्बी होने के कारण उसने दांत से फोड़ने से इनकार किया था, तो धार्मिक विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, वो राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, वो ब्राह्मण जो है ये धार्मिक सेनानी था, अपने धर्म की रक्षा के लिए उसने किया था, देश की रक्षा के लिए नहीं किया था। ये हमें गलत पढ़ाया जाता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, वो तो ब्राह्मण धर्म का सेनानी था, उसने ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए बगावत की थी। ये ऐसा हमारे साथ को आज भी इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखा जाता है, आज के जनरेशन को पढ़ाया जाता है, वो गलत है? बिल्कुल 100% गलत है। जब पढ़ाया जाता है, माता दीन भंगी ने उसको बताया और उसने जो है गाय की चर्बी समझ करके उसमें बगावत की, तो उसने ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए बगावत की थी, ना कि देश की रक्षा के लिए बगावत की। लोग तो कहते हैं कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जो इतिहास लिखने वाले हैं वो उन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि इतिहास लिखने वाले उन्हीं की जात के हैं। अगर वो इतिहासकार मूल निवासी बहुजन समाज का होता तो ऐसा इतिहास नहीं लिखा जाता।